हाय एवरीवन, दिस इज रंजना। और आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिल के बारे में, एंड स्पेसिफिकली हम इस लेक्चर में कवर करेंगे ऑर्डिनरी बिल के बारे में। और इस सीरीज के अंदर हम नेक्स्ट केस बाय केस हम डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ बिल को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि हमको जो बिल्स के बारे में पढ़ना है इंडियन पॉलिटी में, वो किस सेक्शन के लिए पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। देखिए, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उसका एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है, और वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है पार्लियामेंट। अब बात आती है कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन का मतलब क्या होता है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन का मतलब है वो ऑर्गन जो लेजिस्लेशन करता है। नाउ व्हाट इज लेजिस्लेशन? लेजिस्लेशन मींस टू मेक लॉस। अब ये हमें क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट लेजिस्लेट्स। अब उस लेजिस्लेशन को प्रोसेस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है बिल। तो टाइप्स ऑफ बिल तो हम देखेंगे कि कितने होते हैं, बट उसके पहले हम देख लेते हैं कि बिल का मतलब क्या होता है। देखिए, बिल का डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, दैट इट्स अ प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एंड इट बिकम्स एन एक्ट व्हेन ड्यूली एनएक्टेड। इसका मतलब क्या है? अगर आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझना है कि बिल क्या होता है, तो आप एक केस सोचिए कि जैसे एक घर है। अब उस घर के अंदर लेट्स से किचन में कोई नया इक्विपमेंट चाहिए, लेट्स से वहां पे एक चॉपर चाहिए। अब वो चॉपर घर में लेकर आना है, तो कोई भी मेंबर ऑफ द हाउस वो एक प्रपोजल रखेंगे कि घर में एक चॉपर किचन में होना चाहिए। तो वो जो प्रपोजल है उस डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे बिल। अब वो घर वाले सब सहमति कर लेते हैं कि हाँ होना चाहिए, तो उसके बाद वो बन जाएगा एक्ट कि भाई एक्ट क्या है कि चाकू की चॉपर की व्यवस्था की जाए। तो ये हो गया बिल। तो उसी हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर जब भी कोई चीज कोई या चेंज हो गया, या कोई कोई नई चीज कंट्री के लिए प्रपोज करनी है या कोई चेंज प्रपोज करना है, तो उसको हम बोलते हैं बिल। अब जब वो दोनों हाउसेस में अप्रूव हो जाए और उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाए, तो वो उसको हम कहते हैं इट हैज बीन ड्यूली एनएक्टेड एंड देन इट बिकम्स एन एक्ट। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ बिल, लेट्स सी व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल आर। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो ऑर्डिनरी बिल का नाम तो बहुत सिंपल सा लग रहा है कि समथिंग वेरी ऑर्डिनरी शुड बी देयर इन ऑर्डिनरी बिल। बट इसको और इजिली समझने के लिए आप ये बात याद रखिए कि कोई भी ऐसा बिल जिसके अंदर कोई फाइनेंशियल मैटर डिस्कस नहीं हो रहा, कोई भी मनी बिल रिलेटेड मैटर डिस्कस नहीं हो रहा, या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात नहीं हो रही है, तो वो ऑर्डिनरी बिल है। ठीक है, अब ऑर्डिनरी बिल का मतलब हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का मतलब भी समझ लेंगे। उससे फायदा क्या होगा? वंस वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ मनी, फाइनेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स, वी कैन नो व्हाट थिंग्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन एन ऑर्डिनरी बिल। बट अभी के लिए हमें समझने के लिए कि अगर हमें ऑर्डिनरी बिल को आइसोलेशन में अगर हमें समझना है, तो उसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा बिल जिसके अंदर कोई फाइनेंशियल मैटर या कोई मनी रिलेटेड मैटर या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिलेटेड मैटर या प्रोविजन नहीं है, तो वो है ऑर्डिनरी बिल। अब ऑर्डिनरी बिल के कुछ फीचर्स हैं जो हमारे लिए समझना जरूरी है, जैसे कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस। आइदर हाउस कौन से हैं? वो दो हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम राज्यसभा भी बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल को हम लोकसभा भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक ये चीज अगर हम ध्यान में दें कि हमने ये तो देखा कि यूनियन गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन पार्लियामेंट होता है, एंड इफ वी आर आस्क्ड कि पार्लियामेंट के क्या पार्ट्स हैं, तो उसके तीन पार्ट्स हैं, द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो ये तीन पार्ट्स हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सो वी वर हियर डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ ऑर्डिनरी बिल। सो ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस, उसको कोई भी लोकसभा में मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है या उसको कोई भी राज्यसभा का मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है। दूसरी बात कि दिस कैन बी अ प्राइवेट बिल और अ पब्लिक बिल। अब इसको हमें समझना होगा कि प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल के बीच का डिफरेंस क्या है। देखिए, जो भी लोकसभा का मेंबर है या राज्यसभा का मेंबर है, वो एमपी होता है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन लोकसभा के अंदर
ये जैसे पार्लियामेंट के अंदर कुछ मेंबर्स वो भी होते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं, अगर तो वो बिल किसी मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है हु इज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो वो होता है पब्लिक बिल। लेकिन अगर वो बिल एक ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया है हु इज नॉट अ मिनिस्टर, देन इट इज कॉल्ड अ प्राइवेट बिल। आई थिंक ये मीनिंग भी बहुत समझना आसान है कि अगर वो मिनिस्टर ने किया है तो पब्लिक बिल है, इसको हम गवर्नमेंट बिल भी बोलते हैं। अगर वो किसी ऐसे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया है हु इज नॉट अ मिनिस्टर, तो उसको प्राइवेट बिल भी बोलते हैं। एक नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑर्डिनरी बिल इज दैट व्हेन एन ऑर्डिनरी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस इट डज नॉट रिक्वायर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये एक फैक्ट है। हाउ एवर देर इज वन एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन है आर्टिकल 3। अभी आर्टिकल 3 यहाँ पे तो हमने मेंशन कर दिया है कि ऑर्डिनरी बिल प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट उसको नहीं चाहिए एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 3। बट आर्टिकल 3 का मीनिंग क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में देखेंगे कि आर्टिकल 3 होता क्या है। बट यहाँ पे हमें समझने के लिए इतना काफी है कि आर्टिकल 3 में प्रोविजंस होते हैं कि कोई भी स्टेट है, कोई भी राज्य है, कोई भी नया राज्य बनाना हो या किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का एरिया इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, उसकी बाउंड्रीज चेंज करनी हो या उसका नाम चेंज करना हो, ये बिल भी जो है ये ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं। यहाँ पे एक हमें एग्जाम्पल एक्चुअली समझ आ जाता है कि ऑर्डिनरी बिल का मतलब क्या है। तो ये वाले जो बिल्स होते हैं आर्टिकल 3 वाले, उनके लिए हमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। उसको कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऐसे ही इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। एक्सेप्ट फॉर दिस आर्टिकल जितने भी ऑर्डिनरी बिल के मैटर्स हैं उनमें इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने ऑर्डिनरी बिल के देख लिए कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द हाउसेस एंड इट कुड बी अ प्राइवेट बिल और अ पब्लिक बिल, एंड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 3। अब हम इसमें देखते हैं कि ऑर्डिनरी बिल पार्लियामेंट में पास कैसे होता है। ये तो हमने देख लिया कि ऑर्डिनरी बिल जो है वो या तो किसी अब हम ये देखते हैं कि ऑर्डिनरी बिल को एक एक्ट कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स से कि फर्स्ट हाउस कोई भी हाउस हो सकता है, वो लोकसभा भी हो सकता है या राज्यसभा भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जिस हाउस में वो इंट्रोड्यूस किया है उसी हाउस में वो बिल पहले पास होगा। अब जब वो फर्स्ट बिल जो जो फर्स्ट हाउस में बिल पास हो गया है, फिर उसके बाद वो जाता है सेकेंड हाउस में। अब सेकेंड हाउस में जाने के बाद जो अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट्स से द बिल हैज बिन इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन द फर्स्ट हाउस एंड दैट इज लोकसभा। अब वो लोकसभा से राज्यसभा के पास जाएगा पास होने के लिए। अब जो सेकेंड हाउस होता है उसके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला तो ये होगा कि वो बिल को पास कर देगा एज इज। अब लोकसभा ने फर्स्ट हाउस ने भी पास कर दिया, सेकेंड हाउस ने भी पास कर दिया, अब उसके बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास उनकी एसेंट के लिए। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो सेकेंड हाउस है वो उसमें कुछ चेंजेस या अमेंडमेंट्स प्रपोज करते हैं और वो वापस भेजते हैं फर्स्ट हाउस को कि आप इसको रिकंसिडर करिए विद अमेंडमेंट्स दैट वी हैव सजेस्टेड। दूसरा ऑप्शन ये होता है। थर्ड ऑप्शन सेकेंड हाउस के पास होता है कि वो बिल्कुल रिजेक्ट ही कर दे ऑल टुगेदर। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास सेकेंड हाउस के पास क्या होता है कि वो उस पर कोई एक्शन ही ना ले, इसका मतलब कि वो बिल उनके पास पेंडिंग हो गया है। तो सबसे बेस्ट केस सिनेरियो इज कि जो सेकेंड हाउस है वो बिल को पास कर दे। सेकेंड बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि जो सेकेंड हाउस है उन्होंने अमेंडमेंट सजेस्ट करी और फर्स्ट हाउस को रिकमेंडेशन रिकंसिडरेशन के लिए भेजी, तो फर्स्ट हाउस क्या हो सकता है कि क्या पता फर्स्ट हाउस वो अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अगर फर्स्ट हाउस उन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते या फिर सेकेंड हाउस जो है वो बिल को रिजेक्ट कर देता है या फिर सेकेंड हाउस उस बिल पे कोई एक्शन नहीं लेता, तो एक डेडलॉक ओरिजिनेट हो जाता है। अब उस डेडलॉक को भी हटाना जरूरी है क्योंकि बिल को या तो हमें पता चले कि वो पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने ये देख लिया कि डेडलॉक क्यों अराइज होता है कि फर्स्ट हाउस रिजेक्ट्स द अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय द सेकेंड हाउस और द सेकेंड हाउस रिजेक्ट्स द बिल ऑल टुगेदर और द सेकेंड हाउस डज नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 6 मंथ्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6 मंथ्स कि वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है 6 महीने के लिए। अब उस डेडलॉक को रिजोल्व करने के लिए क्या होता है,
जो प्रेसिडेंट है ही और शी समन्स अ जॉइंट मीटिंग। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉइंट मीटिंग जो है वो कौन समन करता है, वो है द प्रेसिडेंट। अब उस मीटिंग में क्या होता है, जॉइंट मीटिंग में इफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग अप्रूव्स द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। तो ये बहुत ही एक सिंपल मेजोरिटी से जॉइंट हाउस में, जॉइंट सिटिंग में अगर वो बिल अप्रूव हो जाता है तो फिर वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास फॉर हिज एसेंट। अब एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अब वो प्रेसिडेंट के पास बिल कब जाता है, या तो फर्स्ट हाउस ने बिल सेकेंड हाउस को दिया, सेकेंड हाउस ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा जाएगा वो बिल, या फिर फर्स्ट हाउस ने बिल दिया सेकेंड हाउस को, सेकेंड हाउस ने कुछ अमेंडमेंट्स भेजी फर्स्ट हाउस को और फर्स्ट हाउस ने उन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया, तब फिर वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। थर्ड ऑप्शन ये भी हो सकता है कि सेकेंड हाउस ने बिल रिजेक्ट कर दिया था, या फिर सेकेंड हाउस ने जो अमेंडमेंट्स भेजी थी वो फर्स्ट हाउस ने एक्सेप्ट नहीं करी, तो जॉइंट सिटिंग हुई और जॉइंट सिटिंग में फिर से वो बिल पास हो गया बाय द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास गया बिल। नाउ प्रेसिडेंट हैज थ्री ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ हिम टू पास दैट बिल, ईदर ही गिव्स हिज एसेंट और ही विथहोल्ड्स हिज एसेंट और ही मे रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। अब इसमें क्या होता है कि अगर वो एसेंट दे देते हैं तब तो बिल हमारा जो है एक्ट बन गया, अगर वो एसेंट को विदहोल्ड कर लेते हैं तो बिल एक्ट नहीं बनता, लेकिन अगर प्रेसिडेंट उस बिल को हाउस में बोथ द हाउसेस में भेजते हैं फॉर रिकंसिडरेशन, तो क्या हो सकता है कि जो दोनों हाउसेस हैं वो बिल में जो अमेंडमेंट्स या चेंजेस प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए बोले हैं या तो वो उनको इंक्लूड करें, अगर वो नहीं उसको इंक्लूड करते, इफ बोथ द हाउसेस पास द बिल अगेन विद अ सिंपल मेजोरिटी विद और विदाउट अमेंडमेंट्स द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट। अब ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, और जो कि एक अपने आप में पूरा अलग एक सीरीज का टॉपिक बनेगा, जो प्रेसिडेंट के पास, इंडियन प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर्स हैं तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सस्पेंसिव वीटो क्या होता है। पर अभी के जो हमने आज के इस लेक्चर सीरीज में हमने देखा कि बिल क्या होता है, बिल इज अ प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एंड इट बिकम्स एन एक्ट व्हेन इट इज ड्यूली एनएक्टेड, what are the four types of bill, ordinary bill, money bill, financial bill and constitution amendment bill. ab ordinary bill jo hota hai uske kuch features dekhe humne ki it can be introduced in either houses and it could be a public bill or a private bill, or jo ordinary bill ki introduction hoti hai it does not require prior recommendation of the president, exception article 3, or article 3 deals with altering boundaries, altering names, increasing size, increasing or decreasing the area of एनी स्टेट। फिर हमने देखा कि वो पास कैसे होता है बोथ द हाउसेस में ऑर्डिनरी बिल, और उसके बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास फॉर हिज एसेंट, और प्रेसिडेंट हैज थ्री ऑल्टरनेटिव्स, वो एसेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, और ही मे रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन एंड इफ बोथ द हाउसेस पास द बिल अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट्स द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट। तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर वीडियो को हम अभी खत्म करते हैं, और नेक्स्ट में हम देखेंगे वीटो पावर्स क्या होती हैं प्रेसिडेंट की, और आप उसके बाद आप अगर आप चाहते हैं तो आर्टिकल 3 के ऊपर भी एक वीडियो है, आप उस वो भी देख सकते हैं कि आर्टिकल 3 होता क्या है। और इसी सीरीज में हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे मनी बिल की, वील डिस्कस व्हाट द मीनिंग ऑफ मनी बिल इज एंड हाउ अ मनी बिल इज पास्ड इन द पार्लियामेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।